नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगू स्ट्राइक टूडे और मैं हूं संगम रॉय। लॉकडाउन में गुजरात के अहमदाबाद में फंसे भागलपुर के नाथनगर के रहने वाले एक लड़के ने वीडियो जारी कर अपनी समस्या को बताया और सरकार से घर वापस आने की गुहार लगाई है। क्वारंटीन डे 50 अहमदाबाद गुजरात। मैं मृणाल शबनम भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी दोस्त बेबी पाल कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। हम यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में अपनी इंटर्नशिप करने आए थे और लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण हम घर नहीं जा पाए, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, और हम अपने अपने घर की ओर प्रस्थान नहीं कर पाए जिसके कारण हम यहीं फंस गए। और अहमदाबाद गुजरात की स्थिति काफ़ी ख़राब है। अभी ख़राब होने के कारण यहाँ पे कर्फ्यू लगा है और कर्फ्यू में हमारे घर पे राशन भी नहीं आ रहा है और हमारे पास इतने दिन का राशन नहीं है कि हम और एक्स्ट्रा दिन कुछ खा पाएँ। और हम सर्वाइवल पे बात आ रही है। वी डोंट हैव फूड, वी डोंट हैव राइस दाल टू मेक आवर सर्वाइविंग। हम दो रात से हमारे पास कुछ नूडल्स थे, नूडल्स बना के रह रहे हैं, खा रहे हैं, और हमारे पास नूडल्स का भी सप्लाई नहीं है और पता नहीं है हमें। और हमारी दिन ब दिन मानसिक परिस्थिति भी ख़राब होते जा रही है। हम 50 दिन से इस घर में हैं और आसपास का माहौल काफ़ी ही गंभीर हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ स्थिति बिगड़ती जा रही है और हमें इस स्थिति में हमें बस एक छोटी सी गुहार है हमारी कि हमें अपने अपने घर पहुँचा दिया जाए। तो मैं गवर्नमेंट, मोदी, नीतीश, ममता दीदी, मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमें प्लीज़ अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करने का प्रबंध किया जाए और हमें अपने अपने घर छोड़ दिया जाए। हमारी बस ये छोटी सी विनती है। वहीं हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने लड़की के माता पिता से जाकर इसके बारे में बातचीत की। हम अभी पहुंचे हुए हैं भागलपुर के नाथनगर में। आपने अभी थोड़ा देर पहले वीडियो देखे होंगे कि एक लड़की है जो अपने आने के लिए, अपने बिहार में आने के लिए वो गुहार लगा रही है। मैं उनके घर पे ही पहुंचाऊं और उनके परिजनों से मैं कुछ पूछूंगा कि आप अपने बेटी को क्या, आप सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। आइए, उनके पिताजी से पहले हम उनसे बात कराएंगे आपको। आइए, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले। मैं गणेश पासवान, इंदिरा कॉलोनी भागलपुर, नाथनगर भागलपुर। जी, आपकी बेटी वहाँ से वीडियो के माध्यम से आपको हमारे पास पहुँचा था, तो उसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो फिर उनके आपका एड्रेस पता चला तो हम आपके घर पे पहुंचे हैं। तो ऐसे हम आपके बीटीवी बेगूसराय न्यूज से हम आए हुए हैं। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, आपके साथ क्या घटना घट रही है? हमारे बेटे के पास खाना मुहैया नहीं है, न राशन। वहाँ लॉकडाउन के तहत कर्फ्यू लागू हो गया है, वहाँ हरा सब्जी भी मिलना बंद है। वो बेचारी दाल और रोटी यही खा के समय काट रही है, वहाँ से निकल नहीं पा रही है। वो चाह रही है कि डायरेक्ट यहाँ अपने घर पर चला जाए। अच्छा, इसके तो लिए हमको पास की जरूरत है। अच्छा, आप पास की जरूरत की बात कर रहे हैं। आप क्या सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से मांग सुरक्षित। अगर सरकार तो ट्रेन भी चला रही है, ट्रेन से भी आ सकती है, आप ये भी ट्रेन तो सरकार दे रही है आने की। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम उससे सहमत नहीं है, जबकि मतलब आपका कहना है अस्थायी रूप से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आप अपनी बच्चियों को वहाँ से ट्रेन के माध्यम से नहीं ला सकते? नहीं लाना सर। तो ठीक है, वो आप तो ये, आपको तो ये भी घोषणा कर दिया गया है कि आप अपना गाड़ी को ले जाके पास इशू करा करके आप ला सकते, आ सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहें? आप हमको सरकारी द्वारा लॉकडाउन पास मिलना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे को अपना गाड़ी से ला सके अहमदाबाद से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको वहाँ जाने के लिए आपको पास लॉकडाउन पास, जी लॉकडाउन के पास की उपलब्धता कराई जाए, इसके बाद आप जाके ला सके। तो ठीक है, मैं आप सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, तो आप सरकार से यही, और कुछ आपकी मांगे हैं? हमको मांगे है कि कुछ चलाया जाए सरकार, उससे आवे बेटी मेरे, जैसे एरोप्लेन है, खाना उना मिलना चाहिए था। मतलब अभी तो विदेश से आने की प्रबंध यहाँ पे की गई है, विदेश में रुके हुए जो भी आते हैं वो आ रहे हैं, लेकिन हम इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में चलते हमको बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग चलते ट्रेन से नहीं आ रही है, इसीलिए हम सोचते जहाज वहाँ चला।